क्लास सिक्स एनसीईआरटी की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसका लेसन है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, वो चीज़ें आप देखेंगे। इसमें दे रखा है कि इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में सोचेंगे, फिर लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, न्याय के विचार, ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता? इसमें एक मैप दे रखा है, अगर आपके पास किताब है तो विश्व का मैप दे रखा है। भारत और दक्षिणी अफ्रीका को दर्शाया गया है, शायद उसी के बारे में एक कहानी भी है। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, नेल्सन मंडेला के बारे में जो भी। दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, अश्वेत और दूसरा जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। एक कहानी के द्वारा एक बहुत ही सटीक बात आपको समझ में आ जाएगी। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सा की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। माया नायडू नाम से पता है। उसने एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरना और तस्वीरों से भरा हुआ। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है और उसको पुलिस ने गोली मार दी। माया को बड़ा झटका लगा, पूछा क्यों मारी? माया की मां ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय तथा अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामान से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के अस्पताल की जो गाड़ियां थी उसमें वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें भी अलग थी, यहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं का था। ये कहानी के माध्यम से समझ रहे हैं ना, माया ने कतरन पड़ी थी। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। उनकी मूल भाषा कौन सी थी? जुलू। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहे थे। अफ्रीकांस भाषा और जुलू भाषा, ध्यान रखना ये शब्द आपके रीट के काम के हैं। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें हेक्टर मारा गया। अब आप समझ रहे हैं कि कितना भेदभाव हो रहा था। यहां एक्चुअली में लोकतांत्रिक सरकार का महत्व बताया जा रहा है। अफ्रीकी
राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय संघर्ष किया। अंततः 1994 में 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार आपके लिए क्या मायने रखती है। कैसे? लोकतांत्रिक सरकार की सबसे पहली मायने है भागीदारी। आपको पता है कि हमारे यहाँ नियमित चुनाव होते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भागीदारी, यानी कि अगर मैं लोकतांत्रिक देश में जी रहा हूँ तो मेरी भी भागीदारी उस सरकार में है। मैं नहीं हूँ तो मेरा प्रतिनिधि उस सरकार में हिस्सेदार है। ये लोकतांत्रिक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण है भागीदारी। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तब संभव है जब लोग ही उसे तय करें और चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वो घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब भागीदारी के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं? लोकतंत्र की जो विशेषता है ना भागीदारी, एक तो चुनाव के माध्यम से आप भागीदार बन गए। दूसरा, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियां में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर या उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, जिसमें मीडिया बहुत बड़ा काम आता है। अगस्त 2005 में, अब ध्यान रखना, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान किया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उससे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सरकार आम जनता के प्रति जिम्मेदार थी। जिम्मेदारी क्यों? कि हर 5 साल के बाद उसको हिसाब देना पड़ता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। आपने, मैंने पहले ही बताया था, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियां पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को क्या मौका मिल पाता है? लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। ठीक है ना? अब जैसे मतलब छोटा समूह है, अब जिन लोकतंत्र शब्द आते ही सबसे बड़ी बात क्या होती है? बहुमत का शासन। बहुमत का शासन का मतलब होता है कि 51% का शासन। तो 49% के पास क्या विकल्प हो सकता है? वो बात है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार हमें अगर कहीं हमारे शहर में, कस्बे में, गांव में, गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखें तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया, जगह उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं,
और वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमें यह समझने में मदद मिल जाएगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। यानी कि ये पार्टिसिपेट के तरीके हैं, कैसे भागीदारी करें। हमने जनप्रतिनिधि चुन के 5 साल के लिए भेज दिया, आफ्टर 5 साल के लिए भेजा, और बीच में हमें जरूरत पड़ी तो हम कैसे लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भागीदारी के अन्य तरीके, जिसमें मीडिया भी है, आंदोलन भी है, धरना, प्रदर्शन, ये सारे। फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कई बार विवादों के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग इस्तेमाल जरूरी है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मा, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमिया के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करें। आपको मैं श्रीलंका का उदाहरण देता हूँ। श्रीलंका में तमिल समस्या थी, ठीक है ना। तो एक लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि उनके विवादों का समाधान करें। धार्मिक जुलूस या उत्सव कई बार समस्या के कारण बनते हैं, भारत में तो विशेष तौर पर। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है, कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौका पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी विवादों का समाधान। और वो भी सरकार एक्चुअली में लोकतांत्रिक सरकार है, जिसमें सभी के मूल्यों को समान महत्व मिले, वही सरकार ऐसा कर सकती है। और लोकतांत्रिक सरकार यानी कि सभी समुदाय के मूल्यों को महत्व दिया जा रहा है, वहां पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और आप खुद देखते हैं भारत में बहुत सारे जुलूस निकलते हैं तो पुलिस उससे पहले एक समझाइश का काम करती है। ये लोकतांत्रिक सरकार के कुछ नियम हैं। भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। आप भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 14 से 32 तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे कुछ अधिकार है, और फिर 51 क में कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो उनके आधार पर हमारी विवादों का समाधान होता है, और फिर हमें कुछ बेसिक अधिकार दिए जाते हैं। फिर आप देखिए, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। भारत में कितने नदी विवाद हैं, एक सूची बनाइएगा, भारत में कितने नदी विवाद है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, पता तो है ना। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सुनना। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिला के सिंचाई में काम आता है, कृष्णा राजा सागर। इसी पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य को डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो मेटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ है, कर्नाटक में। अब सोचिए, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल सकता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। कावेरी नदी जल विवाद आपने सुना होगा, इराड़ी कमीशन आपने सुना होगा,
ये आपको एक प्रश्न करना है, अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद, अंतर्राज्यीय नदी विवाद, और भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अंतर्राज्यीय नदी विवाद से संबंधित बात उल्लेखित है, ये भी आप पता करोगे, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे। फिर समानता एवं न्याय, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। हालांकि न्याय और समानता बहुत विस्तृत अवधारणा है जो कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली में लेवल हम छठी क्लास का रख रहे हैं, तो छठी क्लास का लेवल रख रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़े से ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। क्यों, न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, हो भी नहीं सकता। जहां समानता है वहीं न्याय है, समानता न्याय की पहली शर्त है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए, आर्टिकल आपने देखा होगा, और मैंने आपको एक अंबेडकर की कहानी भी सुनाई थी अस्पृश्यता के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में अंबेडकर की कहानी भी सुनाई थी, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा गौर करना। अस्पृश्यता यानी सुवासुत की प्रथा पर अब कानूनन रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया था। पहले हालात ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर ये कहा कि ये प्रथा अमानवीय है, और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार, सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आप अध्ययन कीजिए तो आपको न्याय और समानता समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे समाज में ये प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं, इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है, इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। आर्टिकल 15 पढ़िएगा पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म और कम करने का प्रावधान है, और आपको ये भी पता है कि लड़कियों को अब तो सारी सुविधाएं फ्री ही दी जा रही है। और एक ध्यान रखना, आप ये जब पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशंस की एक तो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरा आर्टिकल 14 से 32 तक आप अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको लिंक में सुपुर्द करता रहूँगा यूट्यूब चैनल पे, जो इसमें लिंक भी शेयर है। ओके।